इस दहशत के बाद, मिडनाइट टेरर के बाद जब धरती हिली है, 6.3 का जो एपिसेंटर में तीव्रता थी वो दर्ज की गई, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर जैसा प्रीति बता रही थी कि 4.7 थी यहां पर, दिल्ली एनसीआर की बात कर यहां पर 5 से ज्यादा का मैग्नीट्यूड दर्ज किया गया। लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस दहशत के बाद, आप देखिए लोग कितने डरे हुए थे, सहमे थे, आप देखिए। झटके 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मेरे का जमीन हिल रही है। मैं बैठा था, थोड़ा सा झटका महसूस किया। क्या उस वक्त आप कर रहे थे, भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। स्टेशन पे आपका कुछ माहौल ऐसा हुआ कि डर का माहौल हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल था। नॉर्मल था, किसी को एहसास, किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ। बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला। डर का माहौल तो नहीं बना कहीं पे? नहीं, खास ज्यादा ऐसे कुछ नहीं था। ऐसे जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को, ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आस पास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। क्योंकि टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रिलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे, एंड ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का है, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। बट जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम आई वॉज इन ऑफिस और हम लोग अपना डिनर कर रहे थे, छोले पराठे खा रहे थे, और अचानक से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया, उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। हमने फिर सीलिंग फैंस वगैरह देखे, उस टाइम तक आई गेस अर्थक्वेक चला गया था, और फिर हमने अपने डिनर के साथ ही कैरी ऑन रखा। महसूस हुआ था, मैं बैठ के अपनी स्टडीज कर रहा था, अचानक मुझे कुछ फील हुआ, मैंने अपनी स्टडी टेबल पे देखा तो बॉटल में वाटर रखा हुआ था और वो हिल रहा था, तो मैं समझ गया इट्स एन अर्थक्वेक। एक्चुअली रात में अप्रॉक्स 2 बज रहा था या कुछ समथिंग ऐसे ही टाइम हो रहा था, तो हम लोग अपने बेड पे ही थे, नींद आई नहीं थी, जस्ट थोड़ी सी आँख लगी होगी तो ऐसा लगा किसी ने बेड शेक हुआ, तो फिर आई जस्ट नोटिस, और बाहर आने के बाद पता चला जब सब गैदर हुए कि हाँ भूकंप था। और क्या लगा, कितनी तेज भूकंप था, किस तरीके से महसूस हुआ? किसी ने बेड को हिला दिया, ऐसा लगा कि बेड हिल गया, बेड हिलता हुआ नजर आया। हाँ, क्योंकि हम बेड पे लेटे थे तो बेड ऐसे पूरा जैसे लगा किसी ने बहुत फोर्स लगा के बेड को हिला दिया कस के। 1:57 हो रहे थे और 3 या 4 सेकंड का पता चला लोगों को, काफ़ी भीड़ हो गई थी, लोग घर में से बाहर निकल गए, तो अभी मतलब ऐसे ही महसूस हुआ था कुछ हुआ है। रिसेंटली मैं एक फंक्शन में था, तो वहाँ मैं एक सोफे पर ही बैठा हुआ था, तो मुझको वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कोई सोफ़ा हिला रहा है बिल्कुल। सडनली मैंने देखा कोई नहीं था, बस फिर मैंने कहा अर्थक्वेक ही है ये, और काफ़ी तेज था, पूरा महसूस हुआ। मैंने सामने देखा तो एक जो पेड़ था, पेड़ भी हिल रहा था, और एक पाइप था वो भी हिलता था पूरा, तो समझ गए लगभग। मैंने खुद जो मैं 6 या 7 सेकेंड 8 सेकेंड जो भी हो मैंने खुद फील किया इसको। पहला झटका तो बहुत हल्का था, दूसरा झटका कुछ लंबा था, लगभग टाइम था लगभग लगभग 2 बजे का टाइम था। आप कहाँ थे? मैं बेड पे था, अपने बेड हिला पहला, उसके बाद जब दूसरा हिला तो खड़े हो गए। तो देखिए देश के अलग अलग इलाकों से लोगों का जो रिएक्शन सामने आया, लोगों में जो दहशत थी वो हमने आपको दिखाया। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी, आप देखिए उत्तराखंड में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। लगभग पूरे उत्तराखंड में 1 मिनट तक धरती हिलती रही है, धरती कांपी है। काशीपुर उधम सिंह नगर में डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप की दहशत से रात भर घर से बाहर रहे लोग, लोगों में काफी खौफ था, और लोग इस आशंका से अंदर नहीं जा रहे थे कि कहीं कोई और भूकंप का तेज झटका इसके बाद ना आ जाए, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर भी काफी आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है ये किसी बड़े भूकंप किससे पहले का झटका हो। उधम सिंह नगर उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट से ज्यादा तक धरती हिलती रही है और लोग इसके बाद अपने घरों से बाहर आए। सीसीटीवी कैमरे में ये देखिए तस्वीर जो कैप्चर हुई, आप देखिए लगातार आप उस कंपन को देख रहे हैं, लगातार वो जो कंपन है और जो झटके महसूस किए गए जो कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, और यही मिडनाइट टेरर है जिसने दुनिया के 3 देशों को आशंकित शाशंकित करके रख दिया है, डर से भर दिया है कि आखिर ये झटके इसके पीछे की वजह क्या, और कल चंद्र ग्रहण के बाद
जिस तरह से झटके आए हैं तो कहीं चंद्र ग्रहण के बाद का, क्योंकि ये एक सिस्मोलॉजिक जो गतिविधि है, कहीं उसका असर तो नहीं, और इसके बाद कोई बहुत बड़ा झटका या कोई बड़ा भूकंप का इशारा तो नहीं, इस बात को लेकर सवाल। ये देखिए, ये अगली तस्वीर आपके सामने उत्तराखंड के काशीपुर की है। यहां पर भी आप देखें, अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में देर रात, आधी रात भूकंप के झटके जो कैप्चर हुए हैं, महसूस किए गए, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले। अब उत्तराखंड की दो तस्वीरें आप देखिए, एक है उधम सिंह नगर की और एक है काशीपुर की। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, और इन दोनों तस्वीरों में आपको कंपन साफ महसूस हो रहा है।